बुनियादी तौर पर एक बात आप समझ लें कि मैं आप बहुत छोटे हैं मुझसे, बुनियादी तौर पर जहनी तौर पर हम कम्युनिस्ट आदमी हैं। हम 17-18 साल की उसमें उम्र में जब 90 में पहुंचते थे तो नक्सल मूवमेंट में हमारा नाम था और गोली मार देने का हमको आर्डर था। तो हमारे अम्मा अब्बा ने घर से निकाल दिया था, वही कलकत्ते में जो हम रहते थे, अब्बा ने घर से निकाल दिया, 1.5 साल तक ट्रक पे घूमते रहे, मारे फिरते रहे। तो मेरा कहने का मतलब जहनी तौर पर और हर तरह से, मतलब ये कि हमारा एक शोर है कि मस्जिदें किसने गिराई, कौन मूरत ले गया, हम इसी उलझन में आकर मार्क्सवादी हो गए। जी सर, जी सर। तो जहनी तौर पर अगर कहीं वोट पड़ रहा हो तो मैं वोट देने ही नहीं जाता हूँ। कलकत्ते में था तो मैं कम्युनिस्टों को वोट दे देता, बाकी हमें मालूम है कांग्रेस का कैरेक्टर क्या है। मैं कभी तफसील से बैठी बताएं तो आप दंग रह जाइएगा। जी सर, जी सर। कि मेरी कांग्रेस से दिलचस्पी क्यों नहीं है। तो मतलब आपको अच्छा दो लाइन में बता दें, चार लाइन में, जब मैं नया नया वोटर हुआ कलकत्ते में तो मुझे बड़ा ही शौक कि अब क्यों मुझे वोट देना है। उन्हीं दिनों वहां हमारे इलाके में एमपी का इलेक्शन हो रहा था, तो वो उस जमाने में उसका नाम था, बहुत बड़े वकील थे वो, इंदिरा गांधी के जमाने से ही ये लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। अच्छा। तो साहब वो हमारे इलाके में वहीं जकरिया स्ट्रीट में हम रहते थे, डेटॉल मुस्लिम एरिया, तो वहां वो तकरीर कर रहे थे। तो उन्होंने बंगला में तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा अच्छा मैं नया नया, मुझे जोश इलेक्शन आएगा तो मैं वोट डालूंगा, जो एक आप सोचिए उस उम्र में क्या शौक होता है। तो साहब मैं उनकी तकरीर हो रही थी, मैं भी अपने जाके कुर्सी पे बैठ गया। अच्छा जहनी तौर पे तो आप सोचिए कि मैं नक्सल की सजा काट के आया हूं, आज तक स्पेशल ब्रांच में वहां मेरा नाम है। तो उन्होंने कहा कि यही पाड़ा है हमारा और नेक बंधु अच्छे, इस इलाके में हमारे बहुत से दोस्त हैं। उन्होंने तीन नाम लिए, एक पुलिस के मुखबिर थे, दूसरे उस इलाके के सबसे बड़े बदमाश, और तीसरे जो थे उनका रंडी खाना वहां चलता था। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और तीनों मुस्लिम, ऑल वेर मुस्लिम्स। आप ये सोचिए कि मैंने सोचा कि जिस पार्टी का लॉ मिनिस्टर उसका कैरेक्टर ये हो कि वो बता रहा कि ये हमारे दोस्त हैं, एक जो रंडी खाना चलाता है, एक जो बदमाश है माफिया डॉन वो, और एक ये जो पुलिस की मुखबिरी करता है, जब इसकी दोस्ती का मियार ये है तो इसे वोट नहीं देना चाहिए मुझे। तो कहने वाले आप ये सोचिए कि हम कांग्रेस की, मेरे लिए दिल में हमदर्दी क्या हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।